दिस इज बिजनेस मॉडल, ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, मतलब सीएफए में कैंडिडेट्स के लाइकेबल टॉपिक्स में से आएगा कि हाँ पढ़ने में मजा आ रहा है, रिलैक्स है, कुछ ज्यादा कांड नहीं है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, स्टफ लाइक दैट। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस मॉडल। व्हाट्स अ बिजनेस मॉडल? व्हेनेवर आई आस्क दिस मेनी पीपल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग फाइनेंशियल मॉडल टू मी। इट्स अ पिटी, बिकॉज जब मैं फाइनेंशियल मॉडल पूछ रहा होता हूँ तो लोग बिजनेस मॉडल बता रहे होते हैं। दोनों में कोई लिंक है भी या नहीं है? है, दोनों में लिंक है। आपकी बुक्स नहीं बोलती ऐसा, बट एक्चुअल में देर इज अ लिंक। बाय द वे, आपके सिलेबस में फाइनेंशियल मॉडलिंग भी है और बिजनेस मॉडल भी है। सुनना, इट्स अ गुड टाइम टू टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम टुगेदर। बिजनेस मॉडल मीन्स धंधा क्या है ये बताओ। फाइनेंशियल मॉडल मीन्स ये जो बिजनेस मॉडल बनाया था ना, इसको नंबर के टर्म्स में बताओ। तो बिजनेस मॉडल क्या हो सकता है? योर बिजनेस मॉडल माइट बी समथिंग ऑन दीज लाइंस। लेट्स से यू विजिटेड कैनेडा वंस एंड यू रियलाइज दैट बॉस यहाँ पे तो 99% ईटरीज नॉनवेज की है, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर सर्विंग वेज एंड नॉन वेज फूड टुगेदर, बट यू ऑल्सो अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट देर आर मेनी गुजराती फोक्स हू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, देर आर मेनी व्हाट डू यू कॉल नॉर्थ इंडियन सिख फोक्स हू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया एंड मेनी ऑफ देम माइट बी प्योर वेजिटेरियंस। देर आर केसेस जब द प्रीवियस जनरेशन हैव माइग्रेटेड विद देयर व्हाट डू यू कॉल विद देयर सन और डॉटर, ठीक है ना, एंड दोज फोक्स माइट बी प्योर वेजिटेरियन। सो यू सेड दैट व्हाई नॉट मूव टू कैनेडा, नॉट गेट इन टू अ जॉब, सेटअप एन ईटरी ओवर देयर विच इज अ प्योर ग्रीन वेज ईटरी। ठीक है, मैं आपको कोई बिजनेस मॉडल नहीं सजेस्ट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ दिस कैन बी, मतलब दिस कैन बी समवन्स आइडिया दैट ओके लेट अस डू दिस। लेट्स से यू माइट बी थिंकिंग दैट बॉस वहां पे बंदे बहुत ज्यादा बिजी हैं, दिन भर काम वाम में लगे हुए हैं, घर में हाउस हेल्प्स नहीं मिलते हैं तो इसीलिए हाउस चोर्स और ये सब चीजें संभाल नहीं पाते हैं। वहां जाते हैं और टिफिन डब्बा सर्विस स्टार्ट करते हैं जिसमें प्योर वेज शुद्ध शाकाहारी खाना, वैष्णो ढाबा वाला खाना डिलीवर करेंगे हम जितने इंडियन काउंटर पार्ट रह रहे हैं हमारे उनको। दिस माइट बी अ बिजनेस प्लान। सो दिस प्लान, दिस इज योर मॉडल। यू आर सेइंग ओके माई टारगेट कस्टमर्स आर इंडियन फोक्स सिटिंग आउट देयर, माई प्रोडक्ट इज प्योर वेज इंडियन फूड, दिस इज योर प्रोडक्ट। सो ये ओवरऑल चीज हो गई आपकी बिजनेस मॉडल। हाउ मेनी ऑफ अस हैव रेड दिस बुक कॉल्ड धंधा? पढ़ा है किसी ने? अच्छी बुक है अगर आप मतलब, सो आई एम समवन जिससे ना नॉवेल्स वगैरह नहीं पढ़ी जाती, आई कांट रीड फिक्शन एंड स्टफ लाइक दैट, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर आई कांट रीड एनी गॉड डैम थिंग। ठीक है, मैं सिर्फ एकमात्र चीज पढ़ सकता हूँ वो है फाइनेंस और अकाउंट्स के आसपास की, और मुझे आई हैव रियलाइज दैट मुझे बुक पढ़ने में भी मतलब अब तो वो भी बहुत मजा नहीं आता है, बिकॉज नाउ आई रीड समथिंग एंड 99% टाइम्स आफ्टर रीडिंग आई विल बी लाइक यार ये और अच्छा ऐसे लिख सकते थे, स्टफ लाइक दैट। ठीक है, तो आई एम नॉट समवन हु इज बिग ऑन रीडिंग, बट इफ देयर इज समथिंग विच इज टॉकिंग अबाउट बिजनेसेस, विच इज टॉकिंग अबाउट मनी, विच इज टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू इन समथिंग, तो वो बहुत इंटरेस्ट का रहता है मेरे। तो देयर इज दिस बुक कॉल्ड धंधा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें ना कुछ एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी डली हुई है, तो इसमें मेरे ख्याल से वन ऑफ द फर्स्ट केस स्टडीज दे हैव रिटन इज दैट अगर आप यूएस में देयर इज समथिंग कॉल्ड अ होटल एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड अ मोटेल। ठीक है, मोटेल इज स्लाइटली व्हाट डू यू कॉल स्लाइटली मिड सेगमेंट प्लेसेस टू स्टे फॉर अ नाइट, ठीक है, समथिंग लाइक एन ओयो इन इंडिया। ठीक है, अगर आप मोटेल्स को यूएस में कंसिडर करें तो 85% 85-90% मोटेल इंडस्ट्री इज कंट्रोल्ड बाय इंडियंस एंड दैट टू बाय गुजरातीज। ठीक है, तो देखना ओवरऑल बोल क्या रहे हैं बिजनेस में, दे आर सेइंग दैट यूएस की मोटेल इंडस्ट्री में, MOTEL मोटेल इंडस्ट्री में 85-90% जो पेनिट्रेशन है वो इंडियंस की है, और इंडिया में भी एक प्रॉपर कम्युनिटी या एक प्रॉपर ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड दैट इज गुजरातीज। अब इफ यू गो डीप डाउन तो दे हैव एक्सप्लेन्ड हाउ दे हैव मशरूम्ड सो मच। जैसे हम में से बहुत लोगों ने ये चीज सुनी होगी दैट अ लॉट ऑफ
व्हाट यू कॉल नॉर्थ इंडियन पंजाबीज हरियाणवीज फोक्स मूव टू कनाडा, ठीक है, वहां पे ट्रकिंग बिजनेस करते हैं, दिस दैट। इसी तरीके से अगर आज से 30 साल पीछे 40 साल पीछे चले जाओगे तो गुजराती कम्युनिटी यहाँ से मूव करती थी और यूएस जाके अपनी मोटेल इंडस्ट्री चालू कर लेती थी। द कॉन्सेप्ट वॉज प्रिटी सिंपल, हाईवे के ऊपर जो भी एक हसल बसल वाला हाईवे, वहां वहां पे एक 8 रूम 10 रूम स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, उसमें से एक रूम में पूरी की पूरी फैमिली रहना शुरू कर देती थी, हस्बैंड वाइफ टू किड्स स्टेइंग इन दैट सेम प्लेस, ठीक है, एक रूम में रह लेंगे, बाकी के 9 रूम किराए पे चढ़ा देंगे। इस पूरे के पूरे मोटेल की मैनेजमेंट विल बी विद द हस्बैंड एंड वाइफ देमसेल्स, बिलिंग हस्बैंड देख लेंगे, फूड और केटरिंग टाइप की चीजें वाइफ देख लेंगी, क्लीनिंग सर्विसेज में दोनों के दोनों हाथ बटा लेंगे एंड स्टफ लाइक दैट। वंस दिस स्टार्टेड फ्लरिशिंग, तो इस बंदे ने बोला एक और मोटेल पास में खोल लेता हूँ, वो मैं और मेरी वाइफ मिलके मैनेज कर लेंगे। वंस दिस स्टार्टेड फ्लरिशिंग, हाईवेज तो इतने सारे, लोगों ने पीछे से अपने भाइयों को, कजिन्स को, एक्सटेंडेड फैमिली को बुलाना स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग वाज, हर 5 किलोमीटर में एक मोटेल आएगा, वो किसी ना किसी गुजराती फोक का होगा, 5 किलोमीटर आगे जाओगे उसी का भाई बैठा होगा, एक दूसरा मोटेल होगा। तो प्रैक्टिकली पूरे के पूरे हाईवे पे आप कहीं भी रुक जाओ, पर्टिकुलर 10-15 जो मोटेल्स आपको एक लाइन पे दिखेंगे वो सारे के सारे एक ही फैमिली एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ठीक है। बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रेट अप सिंपल, मैनेजमेंट कॉस्ट आई नहीं रही है कोई, मेंटेनेंस कॉस्ट आई नहीं रही है कोई, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना पैसा लेके जाना है कि आप इनिशियली वहां पे एक बिजनेस स्टार्ट कर पाए, बाकी की फंडिंग बैंक से अरेंज कर लें और योर प्लेस इज अप एंड रनिंग। वॉट इज द एडवांटेज, ये लोग क्या सोच के गए थे, दे वॉन्टेड बेटर फ्यूचर फॉर देयर नेक्स्ट जनरेशन। ऑल दे थॉट वॉज दैट लेट अस गेट इन टू द सिस्टम, लेट अस मेक जस्ट इनफ मनी टू गेट बाय एंड गिव द नेक्स्ट जनरेशन बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग बिग इन द इन द इन द कंट्री विच इज कॉल्ड अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, एंड दे कुड दे एक्चुअली सक्सीडेड लाइक एनीथिंग। अगर आप इनकी नेक्स्ट जनरेशन देखोगे, दे आर The finest doctors, lawyers, Wall Street folks around. Similar story of Chinese folks as well. I was reading this article which had mentioned that अगर आप न्यूयॉर्क में मास्टर्स इन फाइनेंस करने वाले लोगों का सर्वे करें या फिर उस सेक्ट को टारगेट करें जो लोग न्यूयॉर्क में मास्टर्स इन फाइनेंस का कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं, तो उसमें से 35% आर एशियंस, एंड व्हेन आई एम सेइंग एशियंस आई एम सेइंग एशियंस एक्सक्लूडिंग इंडियंस। So those folks included Chinese folks, folks from Hong Kong, folks from Singapore, stuff like that, यहाँ के लोग थे। और जब इसमें भी पीछे जाया गया कि मतलब how did these this community is or this particular race is excelling over here, तो they realized that जिस तरीके से Indians were trying to get ये H-1B visa, Chinese folks were slightly more intelligent. What they did was उन्होंने यूएस में एक EB-5 वीजा बोल के होता था, आज भी होता है, अब उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, EB-5 वीजा होता था, उन्होंने EB-5 वीजा लिया था। EB-5 वॉज वेरी सिंपल, हमारे देश में आओ, पैसा लगाओ और आपको ये लॉटरी फॉटरी कुछ नहीं करनी पड़ेगी, आप यहाँ पे पैसा लगा के यूएस की सिटीजनशिप ले सकते हैं। वो शायद उस समय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 करोड़ या कुछ ऐसा पैसा मांगते थे, विच वॉज नॉट मच, एंड यू आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन देयर रियल एस्टेट। सो वॉट चाइनीज फोक्स डिड वॉज, उन्होंने न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क इज लाइक इंडियाज मुंबई राइट, उन्होंने न्यूयॉर्क की मार्की प्लेसेस में भले छोटे अपार्टमेंट्स बड़े अपार्टमेंट जो ले सकते थे ले लिए, एक रूम में रह लिया, बाकी 3 रूम को रेंट आउट करके मोटेल बनाना शुरू कर दिया, एंड दे मैनेज देयर अफेयर्स लाइक दैट। दिस वाज द प्रीवियस जनरेशन। इफ यू टॉक अबाउट द करेंट जनरेशन, दे आर रूलिंग द वॉल स्ट्रीट। बोलना क्या चाह रहे थे, ये हो गए इन लोगों के बिजनेस मॉडल, ठीक है ना। इसी बंदे को अगर बोला जाए अपना फाइनेंशियल मॉडल बना, तो ये क्या बोलेगा, दिस सेम गुजराती गाय हु हैज सेट अप अ मोटेल इन यूएस, ही विल से समथिंग ऑन दीज लाइंस, ही विल से मेरे पास 8 रूम है, मेरे पास 10 रूम है, इसमें से एक रूम मैं पर्सनल पर्पजेस के लिए यूज करता हूँ, मेरे पास 9 रूम्स बचे, एवरेज रूम रेंट मेरा एक नाइट का लेट्स से 1,000 रुपये आ रहा है और एवरेज ऑक्यूपेंसी मेरी लेट्स से 70% आ रही है, ठीक है। तो मेरे 10 रूम है, 10 में से 7 रूम हमेशा चढ़े रहेंगे, अभी के लिए 10 ही मान लेते हो, मान लो 11 रूम थे, 11 में से 1 में मैं रह रहा हूँ, बाकी 10 बचे, 10 में 70% चढ़े रहेंगे, तो 7 रूम का रेंट मेरे को मिलना चाहिए और एक दिन का रेंट कितना, 1,000 रुपए।
तो एक दिन में टोटल कितना मिलेगा? 7,000 रुपए। तो पूरे महीने में कितना मिलेगा? 2,10,000 रुपए। साल में कितना मिलेगा? 2,10,000 × 12। ये हो गई मेरी प्रोजेक्टेड सेल्स फॉर ईयर वन। प्रोजेक्टेड खर्चा फॉर ईयर वन आ जाएगा कि हाँ जी मैं मतलब लेट्स से आई विल ड्रॉ सम सैलरी, आई विल गिव सम सैलरी टू माय स्पाउस, अदर मैनेजमेंट कॉस्ट ये होंगे, बिजली का बिल इतना आएगा, पानी का बिल इतना आएगा, दिस दैट, डेप्रिसिएशन इतना आएगा, मेरा नेट प्रॉफिट एक्स। नेट प्रॉफिट से कैश निकाल लेंगे। ये फर्स्ट ईयर का कंप्यूटेशन हो गया। ऐसे ही अगले 10 साल का कंप्यूटेशन, ये 10 साल का कंप्यूटेशन करने के बाद इसको पुल बैक करेंगे, आज की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो 10 साल का कंप्यूटेशन किया, ये हो गया आपका फाइनेंशियल मॉडल। बिजनेस मॉडल क्या था कि धंधे में पैसा बन कैसे रहा है, आप माल क्या बेच रहे हो, किसको बेच रहे हो, किस भाव पे बेच रहे हो, ये है बिजनेस मॉडल। ठीक है, आइए अपने डिस्कशन पे वापस चलते हैं थोड़ा फॉर्मल तरीके से। बिजनेस मॉडल क्या है? आपको ये जानना कि आप के टारगेट कस्टमर्स कौन है, आपकी प्रोडक्ट ऑफरिंग क्या है, आपकी चैनल स्ट्रेटजी क्या है, आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है, ये सारा का सारा जानना इस बिजनेस मॉडल इन वे। आपकी बुक्स कहती हैं कि आपका ओवरऑल वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है वो बताओ। तो बिजनेस मॉडल के तीन कंपोनेंट्स हैं। वो बोल रहे हैं पहला अपना वैल्यू प्रोपोजिशन समझाओ, दूसरा अपनी वैल्यू चेन बताओ, और तीसरा बताओ कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी। वैल्यू प्रोपोजिशन, वैल्यू चेन और प्रॉफिटेबिलिटी, ये तीन पीसेज हैं। दो यहाँ पे ग्रीन से मार्क्ड है, एक ब्लू से मार्क्ड है। दीज आर द थ्री पीसेज दैट इज दैट विल डिस्कस योर ओवरऑल बिजनेस मॉडल। सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन की। वैल्यू प्रोपोजिशन के अंदर चार चीजें आती हैं। टारगेट कस्टमर कौन है, किसको बेच रहे हो, प्रोडक्ट ऑफरिंग क्या बेच रहे हो, चैनल स्ट्रेटेजी कैसे पहुंचोगे कस्टमर तक, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कितना पैसा चार्ज करोगे कस्टमर से। अब टारगेट कस्टमर्स कौन है, तो कस्टमर्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस ज्योग्राफी, किस मार्केट सेगमेंट को बेचोगे। अब जैसे अगर अपने वाले एग्जाम्पल को लूँ, तो आपने क्या किया, आपने बोला ठीक है यूएस में लेट से मैं डेलेस टैक्सेस में अपना धंधा स्टार्ट करना चाहता हूँ, न्यूयॉर्क में अपना धंधा स्टार्ट करना चाहता हूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मार्केट सेगमेंट, यू आर ओपनिंग मोटेल्स, यू आर क्लियर अबाउट द फैक्ट दैट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और अपर मिडिल क्लास फोक्स आर नॉट गोइंग टू स्टे विथ यू। पीपल हु विल बी स्टेइंग विथ यू वुड बी द पीपल हु आर यूजिंग दीज हाईवेज वेरी ऑफन, सो देयर माइट बी कम्यूटर्स, ट्रक ड्राइवर्स, फैमिलीज हु कांट अफोर्ड वेरी प्लश लिविंग, दोज विल बी योर सेगमेंट्स। ठीक है, दैट विल बी द मार्केट सेगमेंट दैट यू आर टारगेटिंग। द नेक्स्ट पीस इज कस्टमर सेगमेंट। आपका धंधा B2B है या B2C है या B2G है, आप बिजनेस कर रहे हो दूसरे बिजनेस के साथ या डायरेक्टली कस्टमर्स से कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट से कर रहे हो, ये डिपेंड करेगा। तो B2B, B2C, B2G लिखा होना चाहिए, आगे वो मिस कर गया मैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज योर कस्टमर एक्विजिशन प्लान। कस्टमर एक्विजिशन प्लान इसका क्या मतलब है, आप धंधे में प्रॉफिट जनरेट कैसे करेंगे, मतलब आप धंधे में कस्टमर लेके कैसे आएंगे। अभी देखना, आपने ऑफ लेट ये चीज देखी होगी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ मशरूमिंग ऑफ फूड एंड बेवरेजेस आउटलेट्स। ठीक है, पीपल विल से दैट वी कैन क्रिएट पिज्जाज व्हिच आर बेटर देन डोमिनोज पिज्जा, दैट इज फाइन, बट एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर आपके पास क्यों आएगा या आप उसको अपने तक कैसे बुलाओगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है ना, इनफैक्ट अगर आप एडटेक इंडस्ट्री की बात करो, अब मैं ना ग्लोबल एडटेक इंडस्ट्री स्टडी कर रहा था एंड आई एम टेलिंग यू द बिगेस्ट कॉस्ट दैट वॉज इन्वॉल्व वॉज कस्टमर एक्विजिशन। द बिगेस्ट कॉस्ट वॉज नॉट द कॉस्ट ऑफ एजुकेटर्स, होना तो वही चाहिए, बट द बिगेस्ट कॉस्ट वॉज नॉट द कॉस्ट ऑफ एजुकेटर्स, द बिगेस्ट कॉस्ट वॉज कस्टमर एक्विजिशन प्लान। आप एक पोटेंशियल व्हाट डू यू कॉल लीड को पकड़ते कैसे हो, मतलब हाउ डू यू फाइंड दैट दिस पर्सन इज अ पोटेंशियल लीड एंड ही माइट बाय माई कोर्सेज। इसीलिए अगर आप देखोगे तो कंपनीज लाइक बाइजूस विल डू देयर टीवी एड्स बिकॉज दे नो फॉर अ फैक्ट दैट एट द एंड ऑफ द डे बच्चा मेरा कोर्स नहीं खरीदने वाला है, मेरा कोर्स खरीदेंगे पेरेंट्स। दैट्स वाई वॉट दे विल डू इज इफ यू लुक एट अ बाइजूस एड यू विल फाइंड दैट वो एक 3D मॉडल में ग्लास आ रहा है, ग्लास के ऊपर ऐसे हैंड से कुछ बनाते हैं और एक बॉक्स बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, फिर वो स्क्वायर में एक ऐसे हाथ मारते हैं, वो एरिया बता रहे हैं उसका। तो पूरी की पूरी जो एडवर्टाइजमेंट है वो 3D में क्रिएटेड है, बट द क्लासेस आर नॉट इन 3D। सो वॉट दे आर डूइंग इज दे नो फॉर अ फैक्ट दैट देर आर टू थिंग्स, पहला पेरेंट्स शुड बी इंटरेस्टेड, दूसरा द किड शुड फाइंड इट मोर विजुअली अपीलिंग, तो उन्होंने उस टाइप की एड बनाई। सेकेंड, देयर वाज अ स्टडी विच सेड दैट आप कोई कार की एड देखिएगा, कार खरीदने कौन वाला है,
कार खरीदने वाले हैं फोक्स हु आर इन द एज ऑफ 25 to 35 या 25 to 45 समथिंग ऑन दोज लाइंस। बट आप कोई भी कार की एड को ऑब्जर्व करिएगा, उसमें यू विल ऑलवेज फाइंड किड्स इन्वॉल्व। कार की एड में बच्चे हमेशा होंगे, क्यों? बिकॉज दे रियलाइज दैट वेन यू सी अ किड इन अ कार, द पर्सन हु इज सपोज टू बाय दैट कार हैज दैट इमोशन दैट माई सन विल बी सिटिंग इन इट, माई डॉटर विल बी सिटिंग इन इट, दे विल बी हैविंग अ गुड टाइम। सिमिलरली अगर आप किसी व्हाट डू यू कॉल सिगरेट की एड्स वगैरह देखें, तो देयर वाज अ स्टडी डन व्हिच सेड दैट व्हेनेवर देयर इज एनी सरोगेट मार्केटिंग डन, ठीक है, मान लो कोई मूवी आई जिसमें यू कैन सी अ पर्सन टेक अप ऑफ स्मोक, तो द अर्ज फॉर अ व्हाट डू यू कॉल द अर्ज फॉर अ स्मोकर इज दैट ही वॉन्ट्स टू स्मोक हिमसेल्फ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इवन इफ ही वॉन्ट्स टू क्विट। जब वो एड में देखता है या टीवी में देखता है या किसी मूवी के सीन में देखता है, तो देर वॉज अ स्टडी डन विच सेट दैट द चांसेज ऑफ अ पर्सन गेटिंग एन इम्पल्स टू स्मोक राइट अवे इंक्रीजेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो वॉट इट इज ट्राइंग टू से इज दैट यू शुड नो हाउ टू एक्वायर योर कस्टमर्स। तो हाउ टू एक्वायर कस्टमर्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगा वो कंप्यूटेड, मतलब इट कैन डेफिनेटली बी कंप्यूटेड दैट लेट्स से मेरे पास इंस्टाग्राम के सोर्स से मैंने खर्चा किया 10 लाख रुपए और मेरे पास 100 कस्टमर्स आए, तो 10 लाख/100 दैट इज वॉट माई सिंगल कस्टमर इज पेइंग। इनफैक्ट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस दिस ब्रांड मामाअर्थ यस्टरडे, राइट, अब आई वाज सीइंग अ व्हाट यू कॉल अ स्टडी विच सेट समथिंग ऑन दीज लाइन्स कि मामा अर्थ का कस्टमर एक्विजिशन का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाई है, दे आर पेइंग अ लॉट टू एक्वायर न्यू कस्टमर्स, और उनका जो कस्टमर रिटेंशन है, जो रिपीट कस्टमर्स ऑर्डर्स है, वो बहुत लो है, विच लीड्स टू पोटेंशियली क्वेश्चनिंग देयर वेरी क्वालिटी। मतलब अगर आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं और वो कस्टमर्स रिपीट ऑर्डर ही नहीं कर रहे हैं, तो शायद आपका प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है, दिस व्हाट वाज द क्लेम वाज, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट, प्रोडक्ट क्या बेच रहे हो आप, व्हाट डू यू रियली सेल एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यही हो सकते हैं, या तो आपकी क्वालिटी कुछ और बहुत अच्छी है, या तो आपके प्रोडक्ट्स बहुत इनोवेटिव हैं, या तो आपका भाव कम है। इनोवेशन, थिंक ऑफ एप्पल, क्वालिटी, लेट्स से सैमसंग सेज दैट वी आर दी ओनली फोल्डेबल फोन्स इन दिस कंट्री या फिर ग्लोबली। लोअर प्राइस, थिंक ऑफ लेट्स से माइक्रोमैक्स और समथिंग, कि हाँ जी हमारे फोन सबसे सस्ते आते हैं, मोस्ट अफोर्डेबल, लेट्स बाय। नेक्स्ट इज चैनल स्ट्रेटेजी, बेचोगे कैसे, कस्टमर तक के माल पहुंचाओगे कैसे। इसमें आगे एक तो ट्रेडिशनल सेल्स चैनल, तो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, टारगेट कस्टमर, समथिंग ऑन दीज लाइन्स। दूसरा हो गया डायरेक्ट सेल्स मॉडल, कि आप मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कस्टमर्स तक माल भिजवा दे रहे हो। डायरेक्ट सेल्स चैनल कब अच्छा वर्क करते हैं, जनरली यू नीड दिस चेन, जनरली यू नीड दिस चेन। मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, मान लो लेट्स से द मैन्युफैक्चरर इज रैनबैक्सी, कस्टमर्स डायरेक्टली कैन नॉट रीच द मैन्युफैक्चरर, उनके पास अगर कुछ व्हाट यू कॉल अगर उनको डायरेक्ट शिपिंग वगैरह की फैसिलिटीज दे भी दे रैनबैक्सी, तो भी वो पहुंच नहीं पाएंगे, क्यों? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दैट्स एन इंडस्ट्री वेयर टाइम इज ऑफ एसेंस। अभी डॉक्टर ने एक मेडिकल, मतलब डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन में लिखा कि एक्स वाई जी दवा लेनी है आपको, जो कि रेनबैक्सी की कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। नाउ यू कैन नॉट बी इन अ पोजिशन वेयर यू आर सेइंग कि ठीक है मैं ऑर्डर कर देता हूँ रेनबैक्सी को, मेरे पास ये कल शाम तक आ जाएगा, वन डे डिलीवरी। नो, यू माइट, एक्सक्यूज मी, यू माइट बी सपोज टू कंज्यूम इट राइट अवे, मे बी टूडे, ठीक है ना। तो दिस चैनल इज डेफिनेटली ऑफ अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, बट देर आर पीसेस जहां पे डायरेक्ट सेल्स मॉडल विल वर्क वेल। वो कैसे प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स लाइक इंश्योरेंस, या फिर इवन कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको समझना समझाना बहुत मुश्किल है। जैसे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होंगी जिसमें जैसे सॉफ्टवेयर्स वगैरह बेचे जाते हैं, B2B सेगमेंट्स की अगर आप बात करें, इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स आर फॉर बिलिंग, फॉर मेंटेनिंग व्हाट यू कॉल, फॉर इनवॉइसिंग, फॉर मेंटेनिंग स्टॉक्स, इज समथिंग विच इज वेरी मच प्रिविलेंट इन द इंडस्ट्री। अगर आप देखेंगे तो जैसे अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 70% रेस्टोरेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डोमिनोज एंड मैकडीज ऑफ द वर्ल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट लोकल रेस्टोरेंट्स, 70% ऑफ द रेस्टोरेंट्स आर यूजिंग वन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर फॉर बिलिंग। दिस सॉफ्टवेयर नेम इज पेट पूजा। क्यों?
देर आर थ्री गुड फीचर्स अबाउट इट. पहला, इट्स वेरी इंटरेक्टिव. आप किसी जिस भी बिलिंग के जिस भी बंदे को बैठाओगे उसको ए टू जी अच्छे से समझ आता है और उसे पहले ही दिन में वो ऑपरेट कर पाता है बहुत इजी तरीके से. दूसरा, बिकॉज इतना ज्यादा एडॉप्शन हो चुका है कि एक जगह से दूसरा बंदा जब मूव करके आता है और आप कोई नया बिलिंग वाला बंदा हायर करना चाहते हो तो आप व्हेन यू आर इंटरव्यूइंग समवन यू डायरेक्टली आस्क हिम कि तुम्हारे यहाँ कौन सा सॉफ्टवेयर था. ही सेज पेड पूजा, देन यू थिंक दैट ओके मेरे को इसको ट्रेनिंग ही नहीं देनी पड़ेगी. थर्ड, ग्रेट सपोर्ट बाय द कंपनी. ठीक है, कंपनी के बंदे मार्केट में घूम रहे होते हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज देते हैं आपको और एक दिन में ही ट्रेडिंग ट्रेनिंग वगैरह करा देते हैं आपकी, कुछ एक दो वीडियोस देखने बोलते हैं, फिर खुद आके आपके साथ बैठ जाते हैं. अब ये एक ऐसा प्रोडक्ट हो गया जिसमें आपको बीच में कोई रीसेलर वगैरह की जरूरत ही नहीं है, इसमें डायरेक्टली कंपनी से टारगेट कस्टमर्स पे माल बिक जा रहा है, B2B प्रोडक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट इज ई कॉमर्स. ई कॉमर्स में ऑब्वियसली दिस इज पॉसिबल, यू डायरेक्ट इनफैक्ट ई कॉमर्स इज का वेरी एसेंस, उनका वैल्यू प्रोपोजिशन ही ये है कि आप बीच से मिडिलमैन को हटा दो एंड दैट्स व्हाई दे आर ऑफरिंग यू बेटर डिस्काउंट्स. नेक्स्ट इज ड्रॉप शिपिंग मॉडल. पता नहीं कितना कितने यूट्यूबर्स ने इसके बारे में पता नहीं क्या 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 क्या, क्या बड़े लंबे चौड़े सपने दिखाए. क्या होता है ड्रॉप शिपिंग प्रैक्टिकली? दिस प्रोडक्ट ए बाय मैन्युफैक्चरर ए, आप बीच में बैठे हो, आप चुपचाप से मार्केट से ऑर्डर प्रोक्योर करोगे और डायरेक्ट सप्लाई करा दोगे विदाउट टेकिंग इट इन योर बुक्स. तो लेट्स से यू गेट एन ऑर्डर फॉर अ शू, आपने डायरेक्टली एक स्टोर से पिक किया और डायरेक्टली जो बायर था उसके पास छुड़वा दिया और बीच में आपका कट, आपकी कमीशन, आपकी इनकम बन गई. आपने बेसिकली अपनी बुक्स में परचेजिंग ही नहीं की. हाँ, मेरे को एक बंदे जो मार्केट में एड्स चलती है वैसा कुछ लिख के भेज रहे हैं, 9 रुपए में वर्कशॉप लगाओ और अपना ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करो. हाँ भाई, होता होगा बिल्कुल, करोड़ों कमाने का तरीका है ना. चलो खैर, कोई ना. नेक्स्ट इज ओमनी चैनल. ओमनी चैनल मीन्स जिसमें दोनों, मतलब थिंक ऑफ अ मॉडल लाइक, क्या नाम है यार इनका, आई कांट रिमेम्बर द नेम, बट लेट्स लेट्स थिंक रिलायंस रिटेल. आई द एग्जाम्पल दैट आई वॉन्टेड टू गिव यू, इनफैक्ट वेन हसन डज अ सिमिलर थिंग. थिंक ऑफ अ ब्रांड लाइक वेन हसन. वॉट यू कैन डू इज आप वेन हसन का एप डाउनलोड कर लीजिए, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं एंड लेट्स से इफ यू वॉन्ट टू गेट इट एट द फास्टेस्ट, वॉट यू कैन डू इज आप वहां से ऑर्डर कर दीजिए वेन हसन की वेबसाइट पे और आप नियरेस्ट स्टोर पे जाके 1 घंटे में पिक कर लीजिए, दे विल बी एबल टू डिलीवर समथिंग ऑन दीज लाइन्स. सेम थिंग मे बी रिलायंस रिटेल करते होंगे. वॉट प्रैक्टिकली वॉट इज बींग सेड इज दैट इफ यू थिंक ऑफ अ बिजनेस लाइक फ्लिपकार्ट, दे डोंट हैव एनी रिटेल स्टोर. इफ यू थिंक ऑफ अ बिजनेस लाइक लेट्स से अ वॉलमार्ट, ठीक है ना, सो दे बेसिकली आर ऑपरेटिंग इन अ फिजिकल मॉडल कि आओ और परचेज करो. नाउ दे आर सेइंग दैट इन ओमनी चैनल हैव द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. ठीक है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और अगर आपको जल्दी है तो आप पिक कर सकते हैं जाके अपने क्लोजेस्ट रिटेल स्टोर से. ठीक है, नेक्स्ट इज प्राइसिंग स्ट्रेटजी. अब आपने सबसे पहली चीज पढ़ी थी कि किसको बेच रहे हो, हु, देन यू स्टडीड व्हाट, देन यू स्टडीड हाउ टू रीच देम. अब है उनसे पैसा कैसे चार्ज करोगे, सो दैट टू पीसेस, फर्स्ट इज वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, द सेकंड इज कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग. वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में आप ये, आप पहले कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग समझते हैं. लेट्स से एक लॉ फर्म है, आप एक लॉ फर्म के पास गए, आपने कहा कि बॉस मुझे मेरा सो एंड सो केस चल रहा है एंड आई वॉन्ट योर सपोर्ट इन इट, तो द लॉयर माइट कोट यू अ पर आर कॉस्ट, दे माइट टेल यू दैट आई चार्ज 10,000 पर आर, जितने घंटे लगेंगे वो एक्चुअल्स के बेसिस पे आपको चार्ज कर लेंगे. ठीक है, द सेकेंड वे कैन बी दैट यू टेल हिम दैट बॉस ये 10,000 रुपये पर घंटा नहीं दे सकता आपको, मैं एक कंपनी को सू करने वाला हूँ, मतलब मैं सू करना चाहता हूँ जिसमें मैं उनसे सो एंड सो क्लेम मांग रहा हूँ. अब ये केस 3 साल चल गया तो मैं बैठ के अपने जेब से पैसे नहीं दूंगा. तो ही टेल्स यू देन व्हाट डू यू रियली वॉन्ट, यू टेल हिम दैट ओके एक काम करते हैं आप मुझसे अपफ्रंट ले लो लेट्स से 20,000 रुपए, ठीक है, या कोई एक छोटा सा स्मॉल रिटेनर टाइप की एक फीस ले लो और उसके बाद जितना भी मेरे को क्लेम मिलेगा इस कंपनी से उसका 40% मैं आपको दे दूंगा, उसका 40% आप ले लो. ठीक है, प्रोबेबली कुछ लॉ वॉ निकला हुआ है कि ऐसा नहीं कर सकते, सक्सेस बेस्ड मॉडल पे नहीं वर्क कर सकते लॉयर्स, कुछ ऐसा वाला सिस्टम है, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर इज अ लॉ इन प्लेस विच सेज सो, बट रिगार्डलेस मेरा पर्पज आपको लीगैलिटी बताना नहीं था, मेरा पर्पज ये बताना था कि वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या होगी. ठीक है जी, नेक्स्ट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. वैसे ना इकोनॉमिक्स में आएगा,
लेकिन यहाँ पे भी चलो डिस्कशन हो रहा है, बात कर लेते हैं. व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? सेम प्रोडक्ट की प्राइस दो कस्टमर से अलग अलग लेना, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. आपके साथ सीएफए इंस्टीट्यूट ये करता है या नहीं करता? लड़ लेगा वैसे सीएफए इंस्टीट्यूट, मैं बोलूंगा सीएफए इंस्टीट्यूट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है. बट ऐसा होता है या नहीं होता? सीएफए इंस्टीट्यूट ने आपको बहुत सिंपल सी चीज बोल रखी है, आप अगर अपनी जो बिलिंग है वो बिलिंग इन द सेंस आप अपनी अगर आप अपना एग्जाम टाइमली स्केड्यूल करा लो तो आपसे 100 रुपए लेंगे, और अगर आप लेट स्केड्यूल कराओगे तो 120 रुपए लेंगे. वॉट दे आर डूइंग इज दैट दे आर चार्जिंग यू पेनल्टी, और दे आर चार्जिंग यू तत्काल फीस फॉर डिलेइंग योर एग्जाम, फिलिंग योर एग्जाम फॉर्म और फिलिंग योर साइनिंग अप फॉर L1 L2 वॉट एवर, बट दे डोंट कॉल इट दैट वे. उन्होंने उसको थोड़ा सा नाम इज्जत थोड़ी सी बेटर दे रखी है. वो कह रहे हैं देखो हमारी तो प्राइस ही 150 रुपए, लेकिन अगर तुम जल्दी आ गए तो हम तुम्हें अर्ली बर्ड देंगे और हम तुम्हें ये चीज 100 रुपए में ऑफर कर देंगे. हो नहीं रहा ऐसा, वो 100 की चीज है, आपको 150 में दे रहे हैं अगर आप आ लेट रहे हो तो. ठीक है ना? दैट इज वॉट डायनेमिक प्राइसिंग इज. प्रैक्टिकली तत्काल सेवा चला रही है सीएफए इंस्टीट्यूट आपके साथ. ठीक है, द नेक्स्ट पीस इज टीयर्ड प्राइसिंग. टीयर्ड प्राइसिंग मतलब वॉल्यूम डिस्काउंट्स, कि आप अगर हमसे 1 यूनिट खरीदते हो तो 100 रुपए, और अगर 10 यूनिट्स खरीदते हो तो 90 रुपए में, सॉरी 1 यूनिट खरीदते हो तो 10 रुपए, और 10 यूनिट्स खरीदते हो तो 90 रुपए के दे देंगे. तो एक तरीके से 9 के पैसे लेंगे, एक प्रोडक्ट फ्री में दे देंगे, समथिंग ऑन दोज लाइन. दैट्स टीयर्ड प्राइसिंग फॉर यू. ऑक्शन प्राइसिंग, व्हाट हैपेंस इन आईपीएल ऑक्शंस, हाईएस्ट बिडर विंस. ठीक है, ये तो सारा का सारा प्रपोजिशन थी कि अगर परचेज कर रहे हैं तो. अब ऑफ लेट मतलब अगर आप बीच में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स आ गए जो आपसे फ्रैक्शनल ओनरशिप की बात करते हैं, मतलब जो बोलते हैं कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट को ओन ही मत करिए, आप पार्ट ओनरशिप ले सकते हैं. और बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं इस मॉडल में ना. देखना इसमें क्या क्या मॉडल्स हो सकते हैं. सब्सक्रिप्शन मॉडल, ये आपको बोल रहे हैं कि एक काम करो, अगर आप मुझसे परचेस करते तो जिंदगी भर आपका होता, लेकिन अगर आप मुझसे जिंदगी भर के लिए परचेस करोगे तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा. क्यों ना आपको जो एंटीवायरस खरीदना है आप मुझे हर साल उसके 300 रुपए दे दिया करो, एंड आई एम हैप्पी टू मतलब प्रोवाइड यू द सर्विसेज. फ्रैक्शनल ओनरशिप, आपके लिए एक ऑफिस सेटअप करना महंगा पड़ जाएगा, व्हाई नॉट टेक अ कोवर्किंग स्पेस. लाइसेंसिंग, परमिशन टू यूज सर्टेन इंटेंजिबल्स. जैसे देखना आपने मिंत्रा में देखा होगा एक ब्रांड आता है विच इज कॉल्ड HRX. तो ये ब्रांड क्या है, दिस अ को-ओन्ड ब्रांड बाय ऋतिक रोशन एंड मिंत्रा. या फिर और बेटर एग्जांपल है, सोचो थिंक ऑफ एवेंजर्स, थिंक ऑफ एवेंजर्स. मिंत्रा ने कल क्या बोला यार, दे रियलाइज दैट दे आर द बिगेस्ट व्हाट डू यू कॉल अपैरल सेलर्स इन दिस कंट्री. इफ दे वांट टू सेल समथिंग व्हिच हैज एन एवेंजर्स ब्रांडिंग ऑन इट, दे कांट रियली जस्ट प्रिंट देयर फोटोज एंड स्टार्ट सेलिंग इट, कल को केसेस हो जाएंगे. तो कुछ नहीं होता, आप लाइसेंसिंग एग्रीमेंट कर लो एवेंजर्स के साथ, और इंडिया में आप मिंत्रा के प्रोडक्ट्स बेचो जिसपे आप ये सारे के सारे थोर और कैप्टन अमेरिका स्पाइडरमैन सबकी फोटोग्राफ्स और वो सब लगा सकते हो, बच्चे खुश होकर खरीदेंगे आपसे. नेक्स्ट इज फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट्स. व्हाट इज फ्रेंचाइजिंग? समथिंग व्हाट जुबिलेंट फूड वर्क हैज डन फॉर विथ डोमिनोज. ठीक है, ये नीचे वाला अभी के लिए इग्नोर कर दीजिए, वो कट करना था गलती से रह गया है यहाँ पे, वो आगे एक डिस्कशन में दोबारा आने वाला है, तो नीचे वाला इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ फ्रेंचाइजिंग तक के. ठीक है, आगे मूव करते हैं. अब बात आती है प्राइसिंग मॉडल कैसा रहेगा आपका. ये ना स्लाइड गलत जगह लग गई है, पहले प्राइसिंग मॉडल डिस्कस करना था. सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड, नो वरीज. क्या मतलब, इट्स फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, समझ आ जाना चाहिए. व्हाट्स योर प्राइसिंग मॉडल? तो यू कैन बंडल योर सर्विसेज. ठीक है, आप होटल स्टे के साथ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट को बंडल करके बेच सकते हो. ठीक है, द सेकेंड प्राइसिंग मॉडल कैन बी रेजर एंड ब्लेड प्राइसिंग. ये 2-3 बार हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट यू सेल द सेट टॉप बॉक्स ऑलमोस्ट एट फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड देन इसमें रिचार्ज जब आप कराओगे तब पैसे चार्ज कर लें. तो मेन इक्विपमेंट को ऑलमोस्ट फ्री दे दो, बहुत सस्ता दे दो, और कंज्यूमेबल्स पे प्रीमियम चार्ज कर लो टू रिकवर द इक्विपमेंट कॉस्ट. दी नेक्स्ट प्राइसिंग मॉडल कैन बी यू प्रोवाइडिंग एडिशनल प्रोडक्ट्स. अब आप किसी भी फुटवेयर की शॉप पे जाओ, देखना पॉइंट ऑफ परचेज, पॉइंट ऑफ सेल मतलब अगर आपके लिए देखूं तो, वहां पे काउंटर पे किसी भी फुटवेयर शॉप में देखिएगा आसपास में सॉक्स पड़े होंगे, रुमाल पड़े होंगे, डिओड्रेंट्स पड़े होंगे, बिकॉज दोज आर द परचेजेस दैट कैन बी डन रैंडमली एंड इन अ रैश वे.
साइकोलॉजिकली स्पीकिंग व्हाट हैपेंस इज दैट, अगर आपने अभी 5,000 रुपए की शॉपिंग की है, आपको अगर सामने कोई 100 रुपए का सॉक्स दिख रहा होता है जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बट आपको कोई यूज नहीं है उसका, यू विल एंड अप बाइंग इट बिकॉज योर माइंड इज टेलिंग यार क्या ही फर्क पड़ रहा है, 5-6 हजार खर्चने आया था, 100 रुपए की चीज अभी ले चलता हूँ। अगर आपको स्पेसिफिकली सिर्फ ये 100 रुपए का प्रोडक्ट बाय करना पड़े तो आप ये कभी नहीं करोगे, बट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी शॉप्ड फॉर समथिंग विच इज वर्थ 5-10 हजार रुपए, अब आपको 500 रुपए कुछ दिख ही नहीं रहा होता, ठीक है ना। सो दिस इज ऑप्शनल प्रोडक्ट्स। सेकेंड, आपकी बुक्स ना यहाँ पे एक और डिस्कशन करती है, हाँ, जैसे कार एसेसरीज विद कार, आपने 20 लाख की कार खरीदी, अब वो आपको ऊपर में 50-60 हजार की एसेसरी ऐसी चेप देते हैं कि हाँ जी ये लगवा लो वो लगवा लो, ये रहेगा वो रहेगा, आपको भी लगता है 20-30 हजार में कार में चकाचौंध रौनक लग गई है, लगवा लेते हैं। आपकी बुक्स ने जो एक चीज डिस्कस किया ना, उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया विच आई मिस्ड मेंशनिंग ओवर हियर, दे से समथिंग ऑन दीज लाइंस, दे से दैट देर आर मेनी अ टाइम्स व्हेन, अगर आप कोई ऑनलाइन परचेज कर रहे हो तो वो ऐसा बोलेंगे कि अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको पड़ेगा 1,000 रुपए का, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं मतलब, या फिर लेट्स से यू वांट टू एड समथिंग टू इट, लेट्स से यू आर बाइंग सब्सक्रिप्शन फॉर हॉटस्टार, या लेट्स से यू आर बाइंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्राइम, और प्राइम के साथ अगर आप प्राइम के अंदर ही जैसे एक देयर इज दिस इंग्लिश पीस दैट इज एडेड देयर, आई डोंट रिमेम्बर, नेशनल ज्योग्राफिक, अगर आप प्राइम के साथ ही नेशनल ज्योग्राफिक खरीद लोगे तो 1,000 रुपए का प्राइम है, 300 रुपए देके प्राइम नेशनल ज्योग्राफिक साथ में ले सकते हो, बट अगर आप सिर्फ प्राइम ले रहे हो और नेशनल ज्योग्राफिक बाद में परचेज करोगे तो आपको 600 रुपए का पड़ जाएगा। तो दैट इज व्हाट ऑप्शनल प्रोडक्ट्स आर, ठीक है। नेक्स्ट पीस इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग मीन्स इन ऑर्डर टू एंटर इन टू द मार्केट यू ऑफर वेरी अट्रैक्टिव प्राइसिंग, मे बी इवन ब्लीड मनी फॉर इट, ठीक है ना, मे बी इवन बर्न कैश फॉर इट। आप जैसे थिंक ऑफ उबर ओला, इन्होंने क्या किया, आपको ये एक राइड देते थे जिसकी ट्रू कॉस्ट होती थी 600 रुपए, बट दे यूज टू ऑफर इट एट 250 रुपीज, व्हाई, बिकॉज दे वॉन्ट टू हैव यू इन द हैबिट ऑफ नॉट गोइंग डाउन स्टेयर्स ट्राइंग टू फाइंड एन ऑटो, ट्राइंग टू फाइंड अ कैब एंड देन मेकिंग योर बिजनेस। वो चाहते हैं कि आप अपने घर में अपने रूम में बैठ के आराम से ऑर्डर कर लीजिए और अंदर आराम से बैठिए जब तक आपकी कार नहीं आती। इन ऑर्डर टू डेवलप दैट हैबिट इन यू दे विल ऑफर यू पेनिट्रेशन प्राइसिंग। नेक्स्ट पीस इज प्रीमियम प्राइसिंग, मतलब क्या, कोई एक प्रोडक्ट सस्ता या फ्री में दे दिया और उसके ऊपर अगर आप एडिशनल चीजें ले रहे हैं देन यू कैन व्हाट यू कॉल देन यू विल हैव टू पे फॉर इट। जैसे आप जियो सिनेमा देखें या फिर बहुत सारे इंडिया में OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ये बोलते हैं कि आप वैसे फ्री में ले सकते हैं अपना, इवन YouTube देख लीजिए आप, YouTube इज ऑल्सो वर्किंग ऑन प्रीमियम प्राइसिंग, दे से दैट एज सच इट इज फ्री बट आपको एड दिखा दिखा के मार डालेंगे हम, तो आप कुछ मत करिए, आप चुपचाप से YouTube प्रीमियम ले लीजिए, आपकी सारी की सारी एड्स फिनिश हो जाएंगी। अब मैं पिछले 3 साल से YouTube प्रीमियम यूज करता हूँ बिकॉज माई डैड वॉचेज अ लॉट ऑफ YouTube एंड ही हैज टेकन सम फैमिली प्लान जहां से मेरा भी YouTube प्रीमियम पे चलता है। अब बीच में देर वॉज सम बग इन YouTube जिसकी वजह से एक दिन के लिए मेरा YouTube प्रीमियम वॉज नॉट ऑन, आई कॉन्ट वॉच एनी थिंग ऑन दैट डे बिकॉज वो हर तीसरे चौथे मिनट में एक ऐड आ जाती है। Then the other thing is that YouTube will not let you lock your mobile phone and still the video is going on. ये नहीं होता function. But अगर आप YouTube premium ले लेते हैं तो आप अपने phone को lock करके side में रख दीजिए तो music will continue to play. ठीक है ना, that's premium pricing for you. Next is hidden revenue. Again, think of Google. आपके लिए search करना free है but आपको क्या मतलब, वो लोग monetize कैसे कर रहे हैं पूरी की पूरी services को, ads देके. ChatGPT same thing. आप free में use कर सकते हैं बट अच्छा वो प्रीमियम प्राइसिंग में आ जाएगा। चैट जीपीटी का एग्जांपल विल कम इन प्रीमियम प्राइसिंग कि बेसिक वर्जन फ्री में यूज कर सकते हो बट उसका एडवांस वर्जन चाहिए तो दैट इज पेड। अदर पार्ट्स ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशन नथिंग, मतलब इट्स अ लिप सर्विस, वोंट डू इट फॉर यू। नेक्स्ट चलते हैं वैल्यू चेन। अभी तक बात कर रहे थे वैल्यू प्रोपोजिशन की, नेक्स्ट पीस है वैल्यू चेन, ठीक है। अब अगेन जैसे बिजनेस मॉडल की बात करते थे तो वहां सुन के लगता था ये शायद फाइनेंशियल मॉडल है, जब वैल्यू चेन की बात आती है तो यहाँ पे ऐसे सुन के लगता है शायद ये सप्लाई चेन की बात हो रही है। नो, वैल्यू चेन है क्या, वैल्यू चेन इन अ बिजनेस रिफर्स टू द सीरीज ऑफ एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस दैट ऑर्गेनाइजेशन गोज थ्रू टू क्रिएट एंड डिलीवर अ प्रोडक्ट और सर्विस टू इट्स कस्टमर। आसान लैंग्वेज में तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि तुम मतलब तुम वैल्यू किस तरीके से डिलीवर कर रहे हो अपने कस्टमर को, दैट्स वैल्यू चेन। व्हाट इज सप्लाई चेन,
सप्लाई चेन में ये होता है कि आप किस तरीके से माल पहुंचा रहे हो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, दैट इज व्हाट सप्लाई चेन इज. बट वैल्यू चेन में आप ये बोल रहे हो हाउ आर यू डिलीवरिंग वैल्यू टू योर कस्टमर्स. सो यू माइट से दैट इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्राइमरी सर्विसेज एंड सपोर्ट सर्विसेज. आपकी बुक में सिर्फ प्राइमरी सर्विसेज का जिक्र है, दूसरा पार्ट बोल ही नहीं रहे वो. दे आर सेइंग दैट इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन, मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ योर प्राइमरी सर्विसेज. जो भी जो दूसरे कॉस्ट बेस्ड फंक्शंस आते हैं वो सारे के सारे सपोर्ट सर्विसेज का पार्ट बन जाएंगे. ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें कुछ बहुत ज्यादा टेस्टेबिलिटी नहीं है. मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि वो वैल्यू चेन और सप्लाई चेन टाइप की कोई चीज दे सकते हैं अगर वो ऐसा कुछ टेस्ट करना चाहते हैं तो. नेक्स्ट, बिजनेस मॉडल किस टाइप के हो सकते हैं आपके, मतलब आप बेसिकली धंधा चला किस तरीके से रहे हैं, ये कैसे वर्कआउट होगा. सो इट्स लाइक दिस, देयर कैन बी कन्वेंशनल बिजनेस मॉडल, जैसे प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस मॉडल थे, कि आप क्या हो सकते हैं, आप या तो सप्लायर हैं, रॉ मटेरियल्स लेके आते हैं इंडिया में चाइना से, या फिर आपने फैक्ट्री सेटअप कर रखी है, या आप होलसेलर हो, या आप रिटेलर हो, या फिर आप इनमें से, मतलब ठीक है ये बेसिकली ये चार हो गए, एक डिस्ट्रीब्यूटर आ सकता था बीच में और, बट मोर और लेस फंक्शन सारे कवर हो गए. अगर इसी को सर्विसेज बेस्ड कर दें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, यहाँ लिखे नहीं जा सकते. समथिंग ऑन द लाइन्स की भाई आप म्यूचुअल फंड हैं, आप इंश्योरेंस ब्रोकर हो सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट बैंक हो सकते हैं, जितने टाइप के सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं सारे के सारे हो गए. ये सब कुछ था कन्वेंशनल बिजनेस मॉडल्स. अब बात करते हैं मॉडर्न बिजनेसेस की, यहाँ पे आएगी आपके एग्जाम में टेस्टेबिलिटी. ये तो दो लाइन में वो देके खत्म कर देते हैं. उन्होंने कहा मॉडर्न बिजनेसेस में बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ टेक लोकेशन उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गई है बहुत सारे बिजनेसेस में. द बिजनेसेस कैन बी रन फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस नाउ. तो इसमें किस टाइप के बिजनेसेस हैं, दिस फर्स्ट बिजनेस कॉल्ड प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल. प्लेटफॉर्म बिजनेस, आज की डेट पे अगर आप एक कैब एग्रीगेटर सर्विस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है आपको. वॉट आर द पोटेंशियल प्रॉब्लम इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ कैब एग्रीगेटर सर्विस. लेट्स यू आर प्लश विद फंड्स. रतन टाटा ने बोला भाई मैं खुद की कैब एग्रीगेटर सर्विस लेके आऊंगा, मेरी खुद की टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स गाड़ियां बनाएंगी और मैं अपनी गाड़ियां लगा दूंगा, बंदे भी रख लूंगा लेट्स से 5,000. इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है, वॉट इज द प्रॉब्लम ओवर हेयर. अ प्लेटफॉर्म बिजनेस वर्क्स ऑन टू लेवल्स. अ प्लेटफॉर्म बिजनेस हैज टू मेक श्योर दैट सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसीवर, ये दोनों के दोनों एक साथ आप इंक्रीज करते जा रहे हो. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्रिएटिंग अ न्यू प्लेटफॉर्म इज डिफिकल्ट बिकॉज क्रिएटिंग अ कस्टमर सेगमेंट वुड बी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन. ठीक है ना, अगर आप दिल्ली जैसी नॉर्थ इंडिया में अगर मैं बात करूं तो दिस सर्विस बैंगलोर में भी वर्क करती है, मुंबई वगैरह में भी होंगी, बड़ी सिटीज में तो है ही हर जगह पे. दिस दिस सर्विस कॉल्ड ब्लू स्मार्ट. दे केम विद द लॉजिक दैट हम आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ईवीज प्रोवाइड कराएंगे, इट विल बी एट चीपर कॉस्ट एंड बेसिकली ऊबर ऊबर वाली सारी की सारी सर्विसेस. दी बेस्ट पार्ट वुड बी कि आपके लिए कोई वेटिंग टाइम वगैरह नहीं है, आप पहले से स्केड्यूल करके रख सकते हो एंड नो वन एवर सेज अ नो टू गो टू एनी लोकेशन. ठीक है, क्योंकि इनके सारे के सारे ड्राइवर्स इनके पेरोल पे हैं. तो दे स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ब्लू स्मार्ट, और ऑब्वियसली थोड़ी पेनिट्रेटिव प्राइसिंग, थोड़ी सी एग्रेसिव प्राइसिंग थी, आज की डेट पे ऑलमोस्ट प्राइसिंग ऊबर से ज्यादा हो चुकी है. एंड इवन दो दे हैव अ गुड चंक ऑफ बिजनेस, बट इफ यू कंपेयर इट टू ऊबर और नोला दे आर लाइंग नो वेयर. ठीक है, मतलब ब्लू स्मार्ट इज मतलब डिड अ ग्रेट जॉब टू बी द थर्ड पीस इन द डुओपोली, बट अगर आप उबर से कंपेयर करो तो शायद कोई बिजनेस, मतलब 10% होगा उबर के कंपैरिजन में बिजनेस, इन व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज. नेक्स्ट इज क्राउड सोर्सिंग. क्राउड सोर्सिंग मतलब लोग ही पैसा दे रहे हैं, जैसे विकिपीडिया, आप विकिपीडिया के पेज पे जाओगे वहां पे आप जाके देखिएगा, वो लोग बोलेंगे 99% ऑफ हमारे जो यूजर्स हैं वो हमें पैसे नहीं देते, बी इन द 1% हमें एटलीस्ट, मतलब ये जो सारी रिसर्च हो रही है, जो काम हो रहा है उसको ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए, प्लीज कंट्रीब्यूट. तो दैट इज क्राउड सोर्सिंग बिजनेस फॉर यू. नेक्स्ट इज ई कॉमर्स. ई कॉमर्स में क्या है, एफिलेट मार्केटिंग. ठीक है, ये अगेन यूट्यूबर्स ने दुनिया जहान का चला रखा है कि एफिलिएट्स, आपको जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे एफिलिएट मार्केटिंग में, वो सेल जनरेट करेंगे और उसके लिए उनको ब्रांड्स जो है वो कमीशन वगैरह दे देंगे. नेक्स्ट इज मार्केट प्लेस बिजनेसेस, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट. एग्रीगेटर्स, एग्रीगेटर और मार्केट प्लेस बिजनेस में फर्क क्या है ये पता चलता है आपको. एक मार्केट प्लेस जो है वो क्या कर रहा है, मार्केट प्लेस इज सेलिंग द प्रोडक्ट्स विच आर नॉट ऑफ इट्स ब्रांड एज वेल. तो फ्लिपकार्ट सैमसंग का फोन भी बेच रहा है, एप्पल का फोन भी बेच रहा है,
खुद के बनाए हुए ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स भी बेच रहा है, बट अगर आप एग्रीगेटर की बात करोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है, तो उबर हुआ, स्पॉटिफाई हुआ, ये हो गए एग्रीगेटर्स। हाइब्रिड मॉडल विच इज अ मिक्स ऑफ दीज टू। नेक्स्ट इज प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरर। प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरर मतलब थिंक ऑफ प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरर लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना। ये फार्मास्यूटिकल्स में बहुत ज्यादा चलता है कि देयर वुड बी वन बिग कंपनी जिसने अपनी फॉर्मुलेशन रिसर्च पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया और किसी स्पेसिफिक डिसीज के लिए एक सॉल्ट प्रिपेयर कर लिया, एक दवा मतलब एक एक सॉल्ट प्रिपेयर कर लिया, एक सॉल्ट को प्रिपेयर करके, रिसर्च करके, डेवलप करके उसको उसका पेटेंट एक्वायर कर लिया। नाउ व्हाट दिस कंपनी, दिस ऑर्गेनाइजेशन विल डू इज दैट वो मार्केट में जाएंगी और दूसरे फार्मा ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाके उनको बोलेंगी कि आप हमारे लिए ये प्रोडक्ट बना के दे दीजिए, बिकॉज हमारे पास तो कैपेसिटी है दिन के लेट्स से 1 लाख पिल्स बनाने की, बट इसकी जो डिमांड है वो 10 लाख पिल्स की है, तो 1 लाख हम अपने पास बना लेंगे, बाकी 9 लाख पिल्स मार्केट से सिक्योर कर लेंगे। तो ये क्या होगा, द प्रोडक्ट्स विल स्टिल बी ओन्ड बाय दी द कंपनी विच इज इन्वॉल्व एज द प्लेयर हिमसेल्फ, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए अगर रेनबैक्सी ने कोई सॉल्ट डेवलप किया, तो अगर रेनबैक्सी चार फैक्ट्रियों में जाती है तो चारों की चारों फैक्ट्रियां दवा बना देंगी, पैकेजिंग कर देंगी, पैकेट पे जो नाम लिखा होगा वो रेनबैक्सी का ही लिखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइसेंसिंग अरेंजमेंट, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, मिंत्रा लाइसेंसिंग एवेंजर्स है ना। नेक्स्ट इज वैल्यू एडेड रीसेलर्स। इफ यू थिंक ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक एयर कंडीशनर्स, इफ यू थिंक ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक टेलीविजन्स, इसमें सिर्फ घर पे लेके आ जाने से सेल कंप्लीट नहीं हो रही है या फिर कोई बंदा बाय नहीं करेगा, दे विल वॉन्ट सम सपोर्ट इन इंस्टॉलेशन एज वेल। तो वैल्यू एडेड रीसेलर्स क्या करते हैं, अगर आप किसी सैमसंग के स्टोर पे जाओगे, आप उनके पास जाके कोई एसी पसंद करोगे तो वो बोलेंगे आपके लिए इंस्टॉलेशन डिलीवरी सब कुछ हम फ्री करा के देंगे, तो घर आके बंदा इंस्टॉल करके सब कुछ करके जाएगा, दैट इज वॉट वैल्यू एडेड रीसेलर्स इज फॉर यू, ठीक है जी। ये बाद वाला पोर्शन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम योर कोर्स नाउ, तो यू मे इग्नोर दिस, यू मे इग्नोर बिजनेस रिस्क, यू मे इग्नोर, या यू मे इग्नोर बिजनेस रिस्क, ये सारा का सारा पोर्शन एलिमिनेटेड है आपके बिजनेस, आपके कोर्स से, यू मे इग्नोर दिस। दिस इज द लास्ट स्लाइड, 14 स्लाइड इज द लास्ट वन फॉर यू। आई एम डन विद दिस टॉपिक, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।